नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आकाश पांडे और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस 21 डेज के निर्णय पे। मोदी जी ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है दूसरे देशों को अगर हम लोग देखते हैं तो। अगर इसको हम लोग कंट्रोल कर पाए तो समझिए कि हम लोग बहुत बड़े संकट से लड़ जाएंगे। ये दुश्मन पाकिस्तान से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पाकिस्तान वाला तो दिखेगा और ये दिखता भी नहीं है, बाद में पता चलता है। आप सब सोच रहे होंगे वो तो ठीक है, लेकिन हम 21 डेज तक करें क्या, हम घर में बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। कुछ लोग होंगे जिनको दिन भर काम करने की, मुझे खुद भी दिन भर काम करने की आदत है, दिन भर वहाँ यहाँ जाने की। आज मैं अपने घर के सामने खड़ा हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम इस 21 डेज को यूटिलाइज कर लेंगे अपने पॉजिटिव वर्क के लिए तो शायद इसके बाद हमारे देश के लिए अच्छा होगा। हम सब ने लड़ाई नहीं लड़ी है अपने देश की आज़ादी के लिए, आज मौका मिला है, क्योंकि मैं भी उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था और आप भी पैदा नहीं हुए थे। आज मौका मिला है इस देश की आज़ादी को बचाने के लिए। आप ये मत सोचो कि आपको एक तरीके से बांध दिया गया, आपके घर में बांध नहीं दिया गया, आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है। आप खुद को बाधित कर लो कि मुझे बैठना है घर में बैठ के, बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि इस तरीके की समस्याएं बाहर हैं। और अगर आप खुद को एक तरीके से 21 डेज के लिए कंट्रोल कर लेते हो तो आप आज़ादी की तरह यहाँ पर भी बहुत बड़ा योगदान करते हो देश के लिए। अब उस 21 डेज को आप जाया भी मत करो। एक लाइन बहुत अच्छी है डॉक्टर कुमार विश्वास साहब की, कि मैं सृजन का बीज हूँ, यूँ मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। तो आप भी सृजन के बीज हैं, तो आपको मिट्टी में मिलना नहीं है। मतलब 21 डेज को स्पॉयल नहीं करना है, हर किसी को अपने 21 डेज को एनालिसिस में बिताओ तो मुझे लगता है बहुत ही बेहतर रिजल्ट होगा। जैसे कि मैं खुद भी एनालिसिस में बिता रहा हूँ, फिलहाल मेरे दूसरे काम भी है तो मैं उसको भी कर रहा हूँ और फ्रॉम होम है मेरी जॉब, लेकिन उसके बाद जो टाइम बच रहा है या जो मैं अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर रहा हूँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पेरेंट्स के साथ जो भी मेरे पास नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ, अपने भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करता हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप स्टूडेंट हैं सो प्लीज़ थोड़े बहुत जो भी आपके पास अच्छी अच्छी बुक्स हैं उन सारे बुक्स को पढ़िए। आपको थोड़ा सा अपने कंट्री के बारे में पता चलेगा, कंट्री के कंट्रीब्यूशन के बारे में पता चलेगा, ऐसे लोगों के बारे में जो देश को बचाने के लिए खुद को दीवार में चुनवा दिए थे, ऐसे लोगों के बारे में पता चलेगा जो जानते थे कि मैं फांसी से छूट सकता हूँ फिर भी फांसी लग गए कि मेरा देश आगे जाएगा। तो आज हमें भी थोड़ा सा मौका मिला है, इसको हम अगर दूसरे तरीके से देखें तो हम देश के लिए कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 21 डेज तक घर से बाहर न जाके। अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़रूर हम लोग को सक्सेस मिलेगी। और इसमें अगर आप रोजगार वर्ग के लोग हैं, यानी आप अभी स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि आपने बुक्स पढ़ना छोड़ दिया है, आप रोजगार वर्ग के लोग हैं तो आप आदत डाल सकते हैं बुक्स पढ़ने की, क्योंकि बुक्स पढ़ने का जो फ़ायदा है वो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, क्योंकि मैं भी डेली बुक्स पढ़ता हूँ। अगर आप कहते हो कि बुक्स मेरे पास नहीं है, मोबाइल में आप बहुत अच्छे अच्छे ऐप्स हैं, मैंने देखा है, उन ऐप को डाउनलोड करिए, उसमें स्टोरीज हैं अच्छी अच्छी जो कि हमारे पुराणों की स्टोरीज है। मैं पुराण कथा की एक स्टोरी भी पढ़ रहा था एक ऐप में, तो वहाँ से भी आप अगर चाहो तो वहाँ से भी बैठ के घर बैठ के पढ़ सकते हो। अदरवाइज आप एनालिसिस करो कि जो मेरा बिजनेस है जो चल रहा है इसको हम किस तरीके से अपग्रेड करें, किस तरीके से इसको बढ़ाएं। आफ्टर 21 डेज जब खुलेगा ये, इसमें क्या क्या चीज़ें हम ऐड कर दें कि हमारा बिजनेस ग्रो हो जाए। ये टाइम आपको डेली रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं मिलता था क्योंकि सुबह गए और शाम को आए, बट आज मौका मिला है तो सोचो और समझो कि किस दिन के बाद हम किस तरीके से अपने बिजनेस को दूसरे तरीके से राउंड करेंगे और ऊपर जाएगा। आई थिंक अगर ये सोचते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात, हम सबको अपने माता पिता की सेवा करने को मौका नहीं मिलता था क्योंकि हम सब अपने जॉब में व्यस्त होते थे, पर आज हमारे पास एक समय है तो हम उनके साथ अपने फुल टाइम को बिता सकते हैं और बिता के कोशिश करेंगे कि उनको ये एहसास हो कि नहीं, चलो हमारे बच्चे हमारे पास हैं और अच्छी तरीके से हैं। कुछ लोग बोल रहे होंगे, सर मैं तो फंस गया हूँ यहाँ पे या यहाँ पे। हाँ, आप फंस गए हैं ज़रूर, लेकिन आप वीडियो कॉलिंग के थ्रू या अभी आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन तो सबके पास लगभग लगभग है, आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हो घर में बैठ के, और जो फ्री टाइम मिले उसमें कुछ बुक्स पढ़ो और कुछ लिखो, दो चार शब्द लिखो, सोशल मीडिया के माध्यम से लिखो, इंस्टाग्राम के माध्यम से लिखो, तो आपका जो अंतर का विकास होगा, जो अंदर की चीज़ें, वर्ड्स पावर जो है वो इंक्रीज़ होगा, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होगा। मैं खुद उस चीज़ को कर रहा हूँ, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी हमारी एक फैमिली है। सो प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी ये वीडियो शेयर करो जिससे वो भी इस काम को कर सकें और वो भी अपने लाइफ को थोड़ा सा इंप्रूव करके आगे की ओर बढ़ने की कोशिश कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।